तो मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत पतंग काटो और फैंसी पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 से अधिक के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस पतंग उत्सव में इंडोनेशिया की पतंग आकर्षण का केंद्र रही। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विजेताओं को पुरस्कार से पुरस्कृत किया। साथ ही मंत्री अमरजीत भगत पतंग उड़ाते हुए नजर आए। उन्होंने लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। पतंग उड़ाने का परंपरा है, पूरे शहरवासी खूब इसमें मजे के साथ पतंग उड़ाते हैं, खूब इसमें लोग उत्साह के साथ भाग लेते हैं। पतंग उड़ाना भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आता है। आपने भी पतंग उड़ाया है? मेरा पतंग अक्सर कट जाता है, तो मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि